और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था, एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही है। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। और चलिए